के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा। 10 जुलाई तक पंजीकरण डाटा एंट्री के दिए निर्देश, कहा पात्र किसानों को दिलाएं योजना का लाभ। 27 लाख के गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के तस्करों को ट्रक ट्रेलर सहित एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। असम प्रांत के मादक पदार्थों की करते थे तस्करी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बालिका सुरक्षा अभियान के तहत सिविल लाइन स्थित एक स्कूल में एसएसपी ने बालिकाओं को पढ़ाया सुरक्षा का पाठ, कहा झुके नहीं डरे नहीं क्योंकि गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के आगाज पर विधायकों एवं जिलाधिकारी ने 108 नंबर की 16 एम्बुलेंस तथा फॉगिंग टीम के साथ मोबाइल स्वास्थ्य वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान की गई शुरुआत, जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। सोमवार को जिला मुख्यालय पर एसडीएम कोड को समाप्त किए जाने पर आंदोलित हुए अधिवक्ता, का पुरानी व्यवस्था बहाल करे प्रशासन नहीं तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा संचालित। जूनियर डीपीएस प्लेवे का महापौर ने फीता काट कर किया उद्घाटन, बच्चों के शिक्षा के साथ उपलब्ध है यहां खेलकूद और डिजिटल क्लास की व्यवस्था, छोटे बच्चों के हर सुविधा का रखा गया है ख्याल, मिलेगा घर जैसा व्यवहार। समाज भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के सेल्फी विथ कैंपस यूनिट अभियान की कार्यशाला, कॉलेजों में नई इकाई गठित करने की बनी रणनीति, कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगी संगठन को मजबूत, बढ़ाएगी अपना दायरा। और फोटो जर्नलिस्ट एवं कलाकार राजीव केतन को संस्कार भारती का अध्यक्ष एवं पत्रकार व रंगकर्मी प्रेम प्राया को महामंत्री बनाए जाने पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्लस क्लब द्वारा किया गया सम्मानित।